देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डीएक्स को, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम है? हाँ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। क्या लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन से इसको? अच्छा आप कहोगे सर ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि अगर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ए अपॉन एक्स प्लस वन लिखा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू लिखा, सर एक अजीब बात नहीं है? कोई बोले क्या सर, अगर ऊपर वन होता तब भी यही लिख रहे हैं, सर ऊपर एक्स प्लस वन होता तब भी यही लिख रहे हैं, सर कुछ गलत तो नहीं है? क्वेश्चन अलग है, आप लिख सेम रहे हो। महाराज कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू बदल जाएगी बाद में अगर क्वेश्चन अलग होगा, आया समझ में? मान लो इधर किसी ने एक्स प्लस वन कर दिया तो इसमें जो ए बी आएगा और उसमें वो ए बी आएगा वो अलग आएगा, तो फाइनल आंसर बदलेगा, ठीक है, इधर सेम रहता है लेकिन शुरुआत सेम रहती है। अच्छा एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट, तो हो सकता है आपके स्कूल में क्या करते होंगे इस स्टेप के बाद ए बी निकालने लग जाते होंगे, हो सकता है, और जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपके स्कूल में बता रहा हूँ, आप ए बी के चक्कर में अभी मत फंसो। पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन होता है वो स्टार्टिंग में ही सॉल्व होने लगता है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से आप ब्रेक कर लेते हो, इसको इंटीग्रेट कर दिया करो। क्यों? क्योंकि वैसे भी ए और बी तो कैपिटल जो ए और बी है वो कांस्टेंट नंबर है, उसका इंटीग्रेशन पे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आपसे मैं कहूं 2x का इंटीग्रेशन करो या 3x का करो, क्या इस 3 से कोई फर्क पड़ेगा? ये तो बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन से, तो इसलिए फर्क पड़ता नहीं है। तो पहले इंटीग्रेट कर लिया करो, आधा काम तो तुम्हारा हो जाए, टेंशन फ्री तो हो जाओ इंटीग्रेशन से। ए भी बाद में पुट कर दिया करो, और वो कैसे निकालते वो मैं बताऊंगा आपको। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो? इस बात का ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन में, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों को बहुत टफ लगता है। मैं कहता हूँ यार इजी है यार, टीचर या जिसने भी तुम्हारे लिए टफ करा है बस वो टफ कर दिया गया है, ठीक है। चलो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, सेपरेट कर देते हैं। तो देखो समझ में आ गया, दो फैक्टर थे तो जो पहला स्टैंडर्ड मैंने लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया मैंने, तो ए अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स बी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। ए बाहर आ जाएगा इसमें वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, ऐसा आएगा। तो यहां से इंटीग्रेट कर लो, वन अपॉन एक्स कंडीशन लॉग होता है, एक्स प्लस वन में भी वैलिड है, तो ए टाइम्स लॉग मॉड में एक्स प्लस वन प्लस बी मॉड में लॉग मॉड में एक्स प्लस टू, और एक कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा, सी ले लिया कांस्टेंट है कि नहीं, एक कांस्टेंट हमने सी ले लिया यहां पे। अब आपको फोकस करना है, ठीक है, कि ये ए और बी कहां से आएगा, जो कैपिटल ए और जो कैपिटल बी वो कहां से आएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो, वापस आओ कि जब तुमने ए भी लिखा था तो क्या लिखा था, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, चाहे इसको फर्स्ट कंडीशन मान लो कुछ मान लो, बाद में हम ए भी पुट कर देंगे यहां पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रिजल्ट को वापस उठाते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, मतलब हमने क्या किया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू को लिख दिया क्या ए अपॉन दिस, यानी ए अपॉन एक्स प्लस वन और बी अपॉन एक्स प्लस टू, हमने ये लिखा, इसी से सॉल्व करेंगे। कैसे? एलसीएम ले लो और फिर कोफिशियंट कंपेयर करते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू, बी के साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, यही तो आएगा, तो ये कट गया। तो एक्स इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई करो ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, अब x के टर्म एक साथ कर लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, और ये 2a प्लस बी है, क्या है 2a प्लस बी, और ये x है। अब कोफिशियंट कंपेयर कर लो, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में कुछ कंपेयर किया था हम लोगों ने, यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस बी, और यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना आएगा देखो, ए बी अगर ए प्लस बी 1 है और 2 ए प्लस बी 0 है तो माइनस कर दो, तो बी से बी कट गया, ये माइनस का ए आ गया 1, तो ए कितना आ गया माइनस 1 आ गया। अब ए को पुट कर दो यहां पे, तो सिंस ए प्लस बी इक्वल टू 1 तो माइनस वन प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी कितना आ जाएगा, तो क्या बी 2 आ जाएगा, ठीक है, ए आ गया माइनस वन बी आ गया 2। अब इनको सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ इतना नोट कर लो, मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको फाइनल आंसर अपना, ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब देखो
तो ए कितना है हमारा माइनस वन, तो माइनस वन लॉग इसमें रख रहा हूँ मैं, ठीक है, मॉड एक्स प्लस वन प्लस बी की लो कितनी है टू, लॉग मॉड में एक्स प्लस टू और एक कांस्टेंट टर्म सी है। अगर मुझे माइनस हटाना है तो अब देखो वैसे तो यही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में क्या होता है या वैसे भी हमें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है तो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो एक तो ये माइनस है तो मैंने आपको बताया था कि माइनस को हटाना तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा लॉग वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो अगर ये पावर में जाएगा तो किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो यहां पे मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट हमसे ये बोला जाता है लॉग जो होता है ना उसका जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो मॉड लगाना जरूरी होता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है तो मॉड नहीं भी लगाओगे चलेगा, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है आप लोगों को, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लॉग ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी, तो आंसर हमारा क्या हो गया लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और ये मॉड एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा प्लस का सी, ठीक है, तो यही आ रहा होगा, हाँ यही सेम टू सेम आ रहा है, लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में मॉड एक्स प्लस वन, समझ में आया, तो ये तरीका हो गया, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा एबीसी निकालने का एक और तरीका होता है, वो और सिंपल होता है, लेकिन आपको स्कूल टेस्ट में बोर्ड एग्जाम में यही मेथड यूज करना है, अभी मैं बताऊंगा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में उस वाले मेथड को भी, जिससे हम ए शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो कि हम ए बी और जल्दी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहले तो अभी ये मेथड ही सीखो और इसी को हमें अप्लाई भी करना है, हो गया नोट ये, अब चलो।